उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद वह लंबे समय से गाजियाबाद के कौशाम्बी यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता को आज यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर कल्याण सिंह को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बता दें, करीब एक महीने पहले कोरोना की चपेट में आने के बाद कल्याण सिंह को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। न्यूज़ डेस्क।